दोस्तों दिवाली आ गई और मेरे साथ आज पूरी कुनबे धर्मे की जो पूरी स्टारकास्ट की टीम है आज मेरे साथ मौजूद है राजस्थान क्लब के दिवाली मेले पर। आइए बात करते हैं सबसे पहले सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज दिवाली मेले पर। दिवाली के दिन आप पूरी स्टारकास्ट के साथ एक बाहर निकले हैं, मैं कहूँगा अपने घर से जो बाहर निकले हैं, गाँव से बाहर निकल के एक शहर में आए हैं, तो कैसा लग रहा है जो आज जो दिल्ली से बाहर निकल के आप आए हैं? देखो मुझे और मेरी सारी टीम को जो आप देखते हो कुनबा धर्मे का, उस टीम को आज बड़े खुशी का और एक आनंद का अनुभव हो रहा है कि राजस्थान क्लब की तरफ से जो दिवाली मेला का प्रोग्राम किया गया, मतलब हमारे को एक शब्दों में क्या बयां करें, बड़ी खुशी हो रही है। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा दिल्ली 99 टीवी से राकेश अग्रवाल जी का, जिन्होंने हमारे को यहाँ पर इनवाइट किया, बुलाया, उसका हमारे को बड़ा ही अच्छा अनुभव हुआ है। और गांव में भी हमारी जैसे दिए वाली दीपावली होती है, तो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि दिए वाली ही दीपावली को दिखाया गया है, तो सभी से यही कहूँगा कि अब की बार भाई पटाखे ना फोड़ो, पॉल्यूशन ना बढ़ाओ और ऐसे ही दिए वाली दीपावली मनाओ। और आप सभी को, मेरे सभी दर्शकों को और दिल्ली 99 टीवी की तरफ से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अभी आपके दो तीन मिनट लेने वाला हूं, सबसे पहले जानना चाहूँगा जो आपकी मिसेज बनती हैं, वो जो आपका जो भाई है बहुत पीछे डर के काफ़ी पिटाई करते हो आप उनकी, क्या क्या? अरे वो बहुत ज़्यादा नोटी है, मैं पब्लिक को यही बताना चाहूँगी। और जो अच्छा हाँ सॉरी वो मानन का कौन है जी, मैं बताने लग रही आप तो इन नशर पर रखा है यो अरमन ने फिर पात्रा करना पड़ा है मार मार के, यो नहीं मानन का ना तू पहनाए जा अपनी बेबी ने लिया हुआ, फिर तो मैं मानू भी सुकम सुखा कुटन लग रही है। एक बात बताओ, पिना पिना के इतना लंबा कर दिया और क्या चाहिए? कबूतरी का आप क्या शादी इनसे भाई होगी? शादी करो ना करो पर कबूतरी ने तो हम राख लेंगे, कती भी ना लाऊं राख लेगा। साली ने कोई मना करे करे मेरे दोरे साला राख रुक रहा जब, तो साली ने रोकने में नटूंगा, साली ने तो मैं परमानेंट राख लूंगा, छोटा भाई जवान हो रहा मेरा, साली ने तो यह ऐलान देती। इब आप एक बात बताओ जी, यो पब्लिकली के बोलन लाग रहा है भाई मैं साड़ी ना ऊपर रख लूंगा परमानेंटली, तो मैं आने दूंगी अपने घर में, कदी इस तक हौसले मेरा है। लाडली साड़ी ने कौन ना रख लेगा? हां लाडली लाडली आज तक मैं ना हुई कदे। साड़ी बड़ी लाडली होगी, लाडली नहीं रखी आज तक। आए न्यू तो तू कदी साइकिल आपकी वो काफी चलती हुई दिखती है और शहरों में साइकिल कम दिखती है, तो आज दिल्ली में देखो वो साइकिल चलाए पोल्यूशन के लिए। मैं साइकिल चलाता ही हूँ इसीलिए न्यू साइकिल चलाऊं भाई, दिल्ली में भी साइकिल चलाना शुरू कर दें, सेहत भी ठीक रहेगी और पोल्यूशन भी और धुआं धुआं हो रहा है भी खत्म हो जाएगा। भैया जी हम विदेशों में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, अलग से साइकिल ट्रैक है, दिल्ली में जो पोल्यूशन की आज बात करें, क्यों नहीं सुबह शाम जितने लोग हैं मार्केट जाते हैं साइकिल शुरू करते हैं, तो कोई मैसेज आप हमेशा देते हैं, तो लेकिन आपके सीरियल से हमेशा दिखता है कि साइकिल ही चला रहे हैं, चाहे वो जीते हो कोई भी हो सब साइकिल चलाते दिखते हैं, तो ये क्या आपने आप में देखो एक तो भाई हम पब्लिक तो न्यू कहे हैं भाई पॉल्यूशन मत फैलाओ, और ऊपर तो हम मोटरसाइकिल लेके घूमे या हम गाड़ियां में घूमे तो पॉल्यूशन तो हम भी फैलाओगे ना, एक तो हम संदेश देने लाग रहे पॉल्यूशन मत फैलाओ, ऊपर तो हम वो काम करें ये तो अच्छा, हम अपनी साइकिल पर घूम ले से शरीर भी ठीक रहेगा और पॉल्यूशन भी ना फैलेगा। जो डॉटर है ये क्या संदेश देना चाहते हैं, पढ़ती नजर आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आप क्या कहेंगे इसके बारे में? पापा कितना सेट के ऑफ सेट कितना डांटते हैं? सेट के ऑफसेट तो मतलब जो सेट पे दिखता है उसका उल्टा ही होता है। माँ ज़्यादा प्यार करती है सेट के पीछे और सेट पे माँ ही गुस्सा करती है, तो वो अल्टरनेटिव है, मतलब ये चीज़ है भाई। बालक ने समझाता है खुरकाओ धमकाओ तक मैं न्यू नहीं कहता तो भाई लड़की है, मेरे लिए तो लड़का लड़की बराबर है। आज कोई साथी कंप्लेंट करना चाहे, देखो सबको दबा के रखते हैं, क्या करते हैं हम जानना चाहेंगे, पूरी टीम में से कोई शिकायत करता है? अंगूरी आटी आटी लखान लग रही है मेरे का नहीं अट्यागी शिकायत को लेकर जी मन प्रधान जी तो राम तो कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो इनके रिश्तेदार हैं आ तो जाओ है ले फिर निकट देखो नहीं रामो बिरानी इन तक एक हुआ वैसा तो दो महीने छः महीने पड़े रह से। लेकिन फुल्ले जो है वो कहते हैं कि गांव में करता तो है लेकिन काफ़ी हद तक कुछ बार आप भी जो है जीते की बहू पे कुछ
लाइन मारते नजर ना राम 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 मैं ना जी ना ना माड़ी तो पड़ोसन से जितने की वो इसी बात ना से शरीफ लुगाई से क्या आप क्या कहना चाहेंगे बिगन सिंह के बारे में बिगन सिंह तो बिगन सिंह है सारे लफड़े यो ही कर रहे हैं बिगन का बीज यो ही है यो यो हमारी ताई के काबू में आवा है सेठानी के और किसी के काबू में ना था देखो जी मेरे मेरे को सबसे ज्यादा तंग बिगन सिंह करता है गली में कहीं भी मिल जाए मैं न्यू कड़ू हूँ जी इसने यू बहुत खराब आदमी है दो लुगाई रखा है और नू का तीसरी ओढ़ लियाऊंगा दूसरी कौन सी है एक तो नजर आ रही है दूसरी कौन नहीं तीसरी ओढ़ लियाऊंगा यो टू इन वन ले रहा है जी दो आगे बराबर की एक ले रहा है और मेरे तो झगड़ा करेगा जहाँ भी मिल जाऊँ गली में हो या कहीं भी हो ये तो ये ना गलत फहमी हो रही है असल में और यो भी ना बताता ये असल में जीतने की वो नहीं है जी यो तो मजे ले रहा है साथ में खड़े हो गए ये है मांगे की वो खुला का आ रही आज मांगे ने लेके नहीं आ रही मांगे की वो रोज से खिलाई रहे मैं क्या कहूँ जी इस गांव ने मैं तो कदे गिने ही ना देखो आपने जो अभी अभी करंटली एपिसोड से भगाया है आपका पूरा हाथ बताया जा रहा है उसके अंदर मैं के मेरा क्या हाथ था वो गांव में कम में इसे करा एक सरपंच एक मौजूद आदमी प्रधान जी हो गया और उसका बहन हुई ऐसे बुरे काम करेगा बजाने के काम होंगे फिर उसके अरे यो धीरे घने बढ़िया काम करे से रिश्तेदार तो बजा दिया इब रोज कूट चटनी कूट आराम बढ़ के घर बैठ के इब बताओ फुल्ले जी इसलिए बजाया वो धीरे का नंबर ना आन दे था ये दर, दर, ये आपने साली को भगा के साली को बुला लिया और लोगों का जो मजा है वो खराब हो गया ये क्या चक्कर है ये क्या ऐसा है जी साला भी उतना है बोला साड़ी तो प्यारा साड़ा और गुड़ था मीठा राड़ा ये साड़ा भी काटना है स्वाद साड़े भी इतने दे रहे पब्लिक तो जी भाई के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी हाँ ऐसा जी जो लाला बिगन सिंह है ना जो तो मेरे तो जलिया जा है इनके रिश्तेदार आगे फलाना सा डिगड़ा से तू इसकी जो गलती है ना वो सारी मैं नोट कर लूँ छू सारी मैं कैच कर लूँ छू उन बातों ने मैं बता दूँ मांगे की भूत है और मांगे की भूत कुछ नहीं करती गोबर पथवावे और नू कह है उसकी जांच पड़ताल कराया करे लाला बिगन सिंह के करता रहे से तो मांगे जी ले देखे सारे ही जो बिगन सिंह पर सारे ब्लेम आ रहे हैं जितने भी कुनबा है सब आप पे ब्लेम कर रहे हैं बताओ जी फूला जो था किसी की काबू में नहीं आ मन अपने घड़ा बांध के पिटा था इब दूसरा नंबर जो है ये सत्ते का सा है यू मेरी जंतड़ी में लिख रहा सा है ये मेरे तो न्यूज जड़ा सा है तो मतलब इसकी बारी आ गई है आ गई आ गई आ गई सब चले आएगी तो अंत में 24 घंटे शाही गलाड़ा शाम कम है और यू मेरी दुकान आगे को आंख मटका के लिख रहा सा है और ये है ना ये प्रधान जी इन कति नहीं रोक दे और जब मेरा सामान खराब हो गया नहीं साड़ी उतारी इनके नाम लिख दूंगा मैं भाई आधा चाइनीज सामान बेचे से अपने भाई दिए बेचे अपना जो इंडिया का सामान बना उड़ है हाथ की चीजें बनी हुई बेचे तो भाई ना भी वो करे आधे बम पटाखे ले आगे उड़े चाइनीज धर रहा से और वो फुस हो पाओ है रमो तू भी क्यों बोला है तेरी खातर मिठाई तो मैं प्योड़ा खुश हूँ तो अंत में हम पूरी टीम को दिवाली की शुभकामनाएं देंगे और अगली दिवाली पे हम चाहेंगे जो सीरियल है सभी चैनलों पे आ रहा है और पूरे आपको जो राष्ट्रीय सम्मान है उनसे नवाजा जाए राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा जाए और हम चाहेंगे दिवाली की एक शुभकामनाएं धर्मा कुर्बे की तरफ से पूरे दिल्ली वासी और देशवासी मेरे पूरा हरियाणा वासी देशवासी विदेशवासी और हरियाणा वासी क्या प्रदेशवासी देशवासी और विदेशवासी जितने भी मेरे श्रोता हैं मेरे दर्शक हैं मेरे भाई हैं मेरे सहयोगी हैं उनको दिल से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हैप्पी दीपावली और इस दिवाली पे दिए जलाएं और दिए की ही दीपावली मनाएं और पटाखे ना चलाएं राम राम और दिवाली की पूरे परिवार को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद